बस आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले करोड़ों रुपए के दिन में कमा ले दम किसके है खेल में सबको दिखा दे बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले ले दोस्तों को साथ भी सुपर संडे और एक ऐसा मैच जो अक्सर देखने को नहीं मिलता ये नहीं कि 223 चीज हो वो भी हो सकते हैं शारजा छोटा मैदान था लेकिन जिस अंदाज में राजस्थान ने ये चेज किया राहुल तिवतिया का नाम सुना था आपने कभी सुना था सर बट इस अंदाज में आज सुनेंगे ये उम्मीद नहीं की थी लेकिन राहुल तिवतिया का भाई आप लोगों ने भी ज्यादा नाम नहीं सुना था इस आईपीएल से पहले आज देखिए राहुल तिवतिया रातों रात कहां चले गए मेरे ख्याल से 8-10 मिनट में उनकी तकदीर बदली है क्योंकि उससे पहले जब वो बैटिंग कर रहे थे और उनको पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया तो लोग कह रहे थे इसको किसने भेज दिया भाई उस कप्तान को बुलाओ अरे भाई विकेट फेंक के घर चले जाओ बट शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में उन्होंने 5 छक्के मारे राजस्थान कहां से कहां पहुंच गया और अमेजिंग नाइट राजस्थान के लिए लेकिन कई सवाल पंजाब के लिए भी पंजाब के लिए बहुत सारे सवाल है सर और थोड़ा सा फील भी हो रहा है केएल राहुल के लिए मयंक अग्रवाल के लिए जो उनका 100 था और किस्मत देखिए आप उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है आज कि मयंक अग्रवाल का 100 हुआ बट तेवतिया वो भी तो सोच रहे होंगे ना आज साइडलाइन कर दिया क्योंकि पंजाब की ये दूसरी ऐसी हार है दिल्ली वाला मैच जीता जीता हार गए बिल्कुल सुपर ओवर तक आप गए उसके बाद हार गए तो पॉइंट्स में तो आपके उस पॉइंट्स नहीं है इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद शायद वो पांचवें बॉलर की कमजोरी लेकिन अक्सर क्या होता है ना जब एक टीम इस तरह का मैच जीतती है जाहिर तौर पर सामने वाला उसको मौका देता है बट यू हैव टू सैल्यूट वो टीम जिसने चेज किया है बिल्कुल लेकिन सर तेवतिया ने आज जो किया है वो खुद भी मुझे लगता है कि समझ नहीं पाए होंगे कि उन्होंने आके क्या कर दिया है आज अपनी टीम के लिए उनको नेट्स में प्रैक्टिस मैचेस में देखा गया था एबिलिटी भी थी हरियाणा से खेलते हैं यंगस्टर हैं मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी क्रिकेट खेले पर इसका मतलब सर नेट्स में उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि उनकी टीम ने बहुत लंबे छक्के मारे उनकी टीम ने उन पर भरोसा दिखाया भेज दिया स्टीव स्मिथ ने संजू सैमसन ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई बटलर शुरू में आउट हो गए थे हालांकि फिर भी मुझे लगा यार 223 नहीं बनेंगे अक्सर होता है मैच बनता है लेकिन उसके बाद इतने चेज नहीं होते तिवतिया के पहले आई थिंक कुछ 20-21 बॉलों में रन ही नहीं थे मतलब वो मारे मिस हो जाए और सबने अपना 12 या 13 रन थे सिर्फ एक छक्का उन्होंने निकल के मारा रवि बिश्नोई को उसके बाद फिर वो थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन शैनन कॉटरेल का वो ओवर 1, 2, 3, 4, 5 छक्के उसके बाद तो युवराज सिंह ने भी उनका शुक्रिया अदा कर दिया है कि भाई थैंक यू आपने वो एक छक्का छोड़ दिया सही बात है यूवी ने 5 खाए थे 6 मारे थे हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि राजस्थान कैन दे लास्ट भाई हर मैच से पहले हम तो पूछेंगे कि राजस्थान में हिम्मत है और हर मैच के बाद वो शाम को बताएंगे हिम्मत नहीं है बहुत ज्यादा हिम्मत है बट क्वेश्चन ये भी है सर कि अभी शारजा में आपने देखा है राजस्थान को बाकी ग्राउंडों पे दूसरी जगह आप कैसा परफॉर्म करते हैं अबू धाबी में दुबई वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट्स टैली में अब देखिए पंजाब जितना मर्जी अच्छा खेले पॉइंट्स टैली में तो 2 हार है ना हाँ एक जीत है तो 3 में से आप 1 मैच जीते हैं 2 हारे हैं चेन्नई का भी यही है तो चेन्नई को तो लोग कह रहे हैं आखिरी 4 में मुश्किल है तो वही सवाल है पंजाब से भी पूछा जाना चाहिए बाय द वे आप में से कितने लोगों ने बल्लेबाजी की अपनी टीम में राहुल तिवतिया को चुना था आप में से कितने लोग हैं जिनमें से किसी ने वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाया हो इस मैच में चुना था या नहीं सर वो तो नहीं पता बट अगला मैच जब होगा राजस्थान का तो मुझे लगता है कि राहुल तिवतिया ऐसे प्लेयर होंगे जो सबकी टीम में सबसे पहले ऐड ऑन होंगे तो आप एक काम कीजिए बल्लेबाजी की अपनी टीम बनाइए मुझे और राशिका को फिलहाल इजाजत दीजिए दोपहर को हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में जी और क्वेश्चन आंसर सेशन आज क्या होगा विराट वर्सेस रोहित बैंगलोर वर्सेस मुंबई तो आपको राशिका को भेजना है सवाल राशिका राजपूत 01 इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे ट्विटर है विक्रांत गुप्ता 73 और इंस्टाग्राम है विक्रांत.गुप्ता73 क्वेश्चन आंसर सेशन दोपहर को होगा भाई इस मैच को तो आप एंजॉय कीजिए सेलिब्रेट और हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा आस्क स्पोर्ट्स तक अभी बस सांस ले लीजिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि आज रात बहुत बड़ा मुकाबला है स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए फटाफट से